टू ए ब्रांड न्यू स्ट्रीम। आज के दिन तुम्हें पता है, डू यू गाइस नो आज के दिन हमारे साथ कौन गेस्ट है, उसका नाम बताओ, हु इज शी। एक्चुअली बहुत सारे लोग बोल रहे थे, ठीक है, एंड हम जितने बार भी कोई भी स्ट्रीम कर रहे थे ना, हम मोस्टली बाहर जा रहे थे, तो आज आई थॉट क्यों ना हम साथ में बैठ कर तुम लोगों से बातचीत करें एंड कुछ चैलेंजेस करें, ठीक है, एंड देन जो तुमने एडिट्स बनाई हैं उनके ऊपर रिएक्ट करें। आज के दिन मैं और कुट्टू थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आज के दिन मेरी डेट मेरे घर पे आई है गाइस, मेरी डेट मेरे घर तक आ गई है, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं है, मे बी मैं उसको प्रपोज कर सकता हूँ, ठीक है। नो वन नोज आगे क्या होने वाला है। वेट, वैसे अभी वो आई नहीं है वहां, लाइक ये वाली आवाज मैं धीरे धीरे बोलूंगा ना, ठीक है, तो उसके बाद जाएगी नहीं वो। सच सच बताना, शुड आई प्रपोज हर, लाइक क्या मैं उसको प्रपोज करूँ। आज तो मैंने ना उसको जानबूझ के घर पे बुलाया, ठीक है, कि लेट्स सी वो आ सकती है कि नहीं ऐसे, तो शी इज़ हेयर, ठीक है, आज वो आई है घर पे, तो आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, आज हम एक्चुअली में उसके अंदर की जितनी चीज़ें हैं ना वो जान पाएंगे, ठीक है। तो शुड आई प्रपोज हर, व्हाट डू यू थिंक, अभी वो सुन नहीं रही है, ठीक है, और आई डोंट थिंक सो मेरी स्ट्रीम देख रही होगी, तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए मेरे को, शुड आई प्रपोज हर। बट ये नहीं पता ना यार, लाइक वो मेरे को पसंद करती है कि नहीं करती है। तुम्हें लगता है वो मेरे को पसंद करती है? लाइक ऑनेस्टली आई एम बीइंग सीरियस राइट नाउ, तुम्हें लगता है वो मेरे को पसंद करती है? तुम्हें लगता है कि वो मेरे को पसंद करती है? जितना भी तुमने रील्स देखा, जितना भी क्लिप्स देखा, डू यू थिंक कि वो मेरे को एक्चुअली में पसंद करती है? ये मेरे को पसंद करती है तो आई थिंक हमें जल्दी प्रपोज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एट दिस पॉइंट उसके पास बहुत सारी लड़कियाँ आ रही होंगे। आज पूछेंगे मेरे हिसाब से, जल्दी से 2300 लोग जो भी मेरे को देख रहे हैं, जल्दी से टेल मी व्हाट यू थिंक। अभी नहीं करो तो कब करूं? अभी नहीं तो तुम्हें क्या लगता है अभी मेरे को पसंद नहीं करती है? अगर अभी नहीं करूं तो कब करूं? दैट्स द पॉइंट ना, अगर अभी नहीं तो करूं तो कब करूं? When is the right time? कोई लड़कियां, कितनी लड़कियां यहां पे देख रही हैं? कितनी लड़कियां, तुम एक लड़की हो तो बताओ, When is the right time? Propose her in a little bit rizzy way. Oh, shit. आज मैंने एक चीज सीखी है, ठीक है, आज मैंने एक चीज सीखा था, मैं ऐसे करूंगा, मैं उसको बोलूंगा ऐसे नहीं, ऊ नहीं, मैं ऐसे करूंगा एंड फिर मैं उसको बोलूंगा ऐसे हाथ मार, तो वो हाथ मारेगी ना तो मेरा ये ऐसे हो जाएगा और तभी मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे। ये लड़कियों को ये चीज़ पसंद है ना, इज इट गुड चैट। भाई मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर पाई, वो ऐसे हाथ मारेगी, मैं उसको बोलूँगा कुट्टू उसके ऊपर हाथ मार, वो ऐसे मारेगी और ऐसे ही ये ऐसे हो जाएगा एंड देन मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे। ये थोड़ा सा फास्ट है, लाइक ये बहुत जल्दी फास्ट करना पड़ेगा, बट इट इज़ समथिंग जो उसने देखा नहीं होगा एंड आई थिंक इट इज़ गुड। मुझे नहीं पता ब्रो। नो, एवरीवन इज सेइंग नो, फिर क्या करूँ? टेल हर हाउ टू रिस्क। क्या मैं उसके पैरों में गिर जाऊँ? लाइक डू यू वॉन्ट मैं ऐसे पैरों में गिर जाऊँ? प्लीज़ मुझे ऐसे करूँ क्या? लाइक टेल मी व्हाट शुड आई डू, टेल मी। अगर उसने स्ट्रीम पे रिजेक्ट किया, ठीक है, अगर उसने स्ट्रीम पे रिजेक्ट किया तो ना हमारी ना बेइज्जती हो जाएगी बहुत गंदी, लाइक इतनी गंदी बेइज्जती होगी ना जो हमने कभी सोची नहीं होगी। 1 मिलियन पे प्रपोज करना, नहीं यार 1 मिलियन तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। ओए मेरे पास आइडिया आया, मैं उसको आज के दिन इग्नोर करता हूँ, ठीक है, आज के दिन मैं ना उसको इग्नोर करता हूँ। एक प्लेस, थैंक यू सो मच फॉर 69 रुपीज सुपर चैट, गो फॉर इट रचित। एज ए प्लेस कह रहा है कि गो फॉर इट रचित, व्हाट, तुम लोगों को क्या लगता है? सच बताओ, आई थिंक करना चाहिए ना, आई पर्सनली थिंक कुछ तो करना चाहिए। रचित्रो के 6 मिलियन पे प्रपोज कर दो। रचित्रो के कितने हो गए हैं अभी? मुझे पता नहीं है, आई थिंक 6 मिलियन होने वाले हैं रचित्रो के। प्रपोज प्रैंक, What if I do a proposed prank? Oh, ये बहुत अच्छा आइडिया मार दिया। दो चीजें हैं, बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, कि आज के दिन मैं उसको नकली प्रपोज करूं, लाइक एक्चुअली मैं नकली प्रपोज, यू नो, मैं उसको बोलूं आई एम प्रपोजिंग यू एंड देन मैं उसको प्रपोज ना करूं, नकली प्रपोज करूं या उसको इग्नोर करूं, इग्नोर और फेक प्रपोज। यस, बोथ प्लीज। हाउ डू आई डू बोथ? मुझे ये बता, अगर मैं उसको इग्नोर करूंगा तो उसको प्रपोज कैसे करूंगा फिर? अगर मैं उसको प्रपोज करूंगा तो मुझे उसको दिखाना है ना कि मैं उसको प्यार करता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ। लाइक व्हाट डू यू मीन, ऐसे कैसे हो जाएगा? एवरीवन इज सेइंग इग्नोर, शुड आई गो फॉर इग्नोर गाइस, शुड आई गो फॉर, वेट चैट, तू मुझे डरा क्यों? सब लोग आगे डरा क्यों रही है ब्रो? ये 3 के लोग मेरे को समझा ही नहीं पा रहे हैं। तेरे को पता कुछ आने वाली है अभी 5 मिनट में, ठीक है, तो मैं इनको बोल रहा हूँ शुड आई प्रपोज हर आज के दिन या फेक प्रपोज करूँ या इग्नोर करूँ उसे, तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? जल्दी बताना, इवन ये डिसाइड नहीं कर पा रही, इग्नोर करूँ या फेक प्रपोज करूँ, और टाइम नहीं है, 5 मिनट में आने वाली है वो। फेक प्रपोज ना, उसे गिफ्ट क्या दूँ आज के दिन, टेल मी ना। चली गई भाई, चली गई। देख रहे हो, आज के दिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा ब्रो, आज के दिन सबने मुझे धोखा दे दिया है, लिटरली आज के दिन मुझे लिटरली हर किसी ने धोखा दे दिया है।
हो आप भाई सरप्राइज करो मतलब चुप ओए ओए बॉयस मनु ने ये दिया है बॉयस ये गिफ्ट करूँ क्या उसको एंड फिर मैं लूंगा कि भाई ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया था ओए ओए हाँ एंड स्ट्रीम बोलूंगा स्ट्रीम एंड होगी लास्ट में ठीक है सुनो 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 क्या होंगे जब हम स्ट्रीम एंड करेंगे ना तो मैं उसको बोलूंगा स्ट्रीम एंड हो गई एंड फिर मैं बोलूंगा ये तो मैंने बस स्ट्रीम के लिए दिया था ऐसा कुछ करूँ क्या डेम डेम वो ये छुपा दे रहा हूँ मैं ये साइड में छुपा दे रहा हूँ सुनो 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 एक हम क्योंकि मैं स्ट्रीम में उसे बात करते करते भूल सकता हूँ ठीक है तो जब वो आएगी ना एंड जब तुम्हें लगे कि भाई इट्स द बेस्ट टाइम कि मेरे को पांडा देना चाहिए ठीक है तो तुमने बस पांडा का इमोजी स्पैम करना लिखना मत पांडा दो ऐसे लिखोगे ना तो वो चैट पढ़ लेगी तो उसको लगेगा कि सब प्लान था तुमसे पांडा का इमोजी डालना ठीक है सिर्फ और सिर्फ एक बार पांडा का इमोजी डालो पांडा का कोई इमोजी होता है कि नहीं ठीक है तुम मुझे समझ जाएगा कि तुम लोगों के हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम कब है उसको देने का सारे लोग पांडा का इमोजी डालो ठीक है सारे लोग पांडा का इमोजी डालो लेस सी क्योंकि तुम लोग को हेल्प करना है ठीक है मैं एक दो वर्ड सेटिंग करते हैं पांडा का इमोजी एंड कम मुझे उसका हाथ पकड़ना ऐसे यस यस दिस वन ओके दिस वन और यस यस जैसे तुम अभी स्पैम करो ना जैसा तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है एग्जैक्टली जैसे स्पैम करना है ओके वो आ गया एक्चुअली मैं आ गया वे दो सेकेंड दो मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ ठीक है मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ आ रहा हूँ 5 मिनट देना मैं नीचे आता हूँ ठीक है नीचे से लेने आता हूँ आपको तू 2 मिनट में पहुँच जाएगी मेरे घर पर तो मैं नीचे देखो पिकअप करने जा रहा है ठीक है फर्स्ट टाइम आई थिंक इट्स अ डब्लू आई थिंक उसको मेरे ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा है इसीलिए वो आज घर पर आई है ठीक है आई थिंक इट्स अ डब्लू व्हाट डू यू थिंक गाइस इट्स अ डब्लू ठीक है वो बिल्कुल आ गई है मैं उसको नीचे लेने जाता हूँ सारे लोग ऑल द बेस्ट बोलो ठीक है सारे लोग ऑल द बेस्ट बोलो ठीक है एंड सी जब मैं लेके आऊंगा तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है ओ माई गॉड रचित लुक सो गुड ओ माई गॉड रचित इज सो भाई ओ माई गॉड रचित इज डूइंग क्रेजी स्टफ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें लिखनी है सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें लिखनी है कोई ऐसा नहीं बोलेगा ओ माई गॉड रचित डिजर्व्स बेटर उसकी बेइज्जती कोई भी नहीं करेगा रचित सिर्फ ऐसा तो कोई बंदा होता ही नहीं है लाइक उसके मन में भी आया अरे भाई इसने ऐसी ऐसी चीजें करी है ठीक है तुम्हें अपनी पूरी क्रिएटिविटी से खेलना है ठीक है अभी आई एम गोइंग ठीक है एक्चुअली आई एम गोइंग प्रिपेयर करो मैं कभी भी आ सकता हूँ डू नॉट लीव द स्ट्रीम ओके हाँ करे तो बढ़िया ना बोले तो प्रैंक बता दे उए! अगर उसने आज मुझे रिजेक्ट किया तो मैं बोल दूंगा मैं तो प्रैंक कर रहा था ठीक है बॉयस इट्स टाइम मैं उसको लेने जा रहा हूँ ठीक है उसको लेने जा रहा हूँ एक्चुअली तुम गालियाँ पढ़वा दोगे ऐसी रिजेक्ट मार देगी मैंने लेट कर दिया ठीक है गैस करो कौन आया है ओके सब तेरे को बुला रहे हैं अनु हाय नमस्ते आपने बुलाया मैं आ गई कितना हुआ तो अफ्रीक आ गए मैंने गेट बंद कर देता हूँ 2 सेकंड अच्छा ओके मेरे लिए पानी ला सकते हो आप क्या पानी ला सकते हो ओके तुम्हारी बात सुन रहा हूँ मैं गर्म चाहिए कि ठंडा जी नहीं ठंडा ही सही ठंडा ना ओके ला वहाँ पे चॉकलेट भी है मैंने देखा टेबल में एक्चुअली मुझे प्याज वगैरह कुछ नहीं लग रहा था मैंने उनको जानबूझ के बोला कि मेरे लिए क्योंकि जब हम लोग हेलोवीन का स्ट्रीम कर रहे थे तब इन्होंने मुझे बोला था कि पानी लाने के लिए तो अब मैंने इनको बोला कि मेरे लिए भी पानी लेके आओ सब ना मेरा तारीफ करना ओके मुझे पहले मुझे चॉकलेट मुझे खोल के दो क्या बोली तू हाँ क्या करूँ इसको खोल के दो ये क्या था इधर क्यों यार ठीक है बोतल थी सो देखो पता है आज मैं कहाँ से आया हूँ कहाँ से आज मैं आया हूँ हैदराबाद से ओह हाँ yes. मुझे पता है वेट पिंपल हुआ क्या यहाँ पे हाँ हाँ हम दोनों का सेम से मतलब इसका यहाँ पे मेरा पिंपल हो गया यहाँ पे एक्चुअली मेरा यहाँ पे हुआ है यहाँ पे दो पिंपल सो आज मैं स्पेशली तेरे बिल्कुल नया पैकेट लाया था मैं एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली बिल्कुल नया पैकेट है ठीक है लेकिन ये खुला हुआ क्यों है नया था ना तो ये खुला हुआ क्यों है कितने झूठ बोलते एक्चुअली रुक ना नया लेके आया था लेकिन खुद ही खा लिया नहीं, 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 मेरे नहीं। को ये ओके यस कुटू
सो आई नो तेरे को चॉकलेट्स कितनी पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्पेशली मैं तेरे लिए आज चॉकलेट एयरपोर्ट से लेके आया था, एयरपोर्ट वाली चॉकलेट है ये। चैट सारे लोग लिखो डब्लू रचित, मैं एयरपोर्ट से चॉकलेट लेके आया हूँ, ठीक है। एंड तो कौन सा कलर पसंद है इनमें से? मेरा येलो फेवरेट है। ओके, येलो फेवरेट है ना, मैंने तो आपको बताया भी था येलो। नहीं, मेरे को याद था, मेरे को याद था, मैं बस देखना चाहता था कि तू क्या बोलेगी। मैं वैसे भी तेरे को येलो देता, मैं तेरे को वैसे भी येलो देता। ओके ओके, सो केयरिंग, ऑब्वियसली गाइस आई एम केयरिंग, आई हैव हस्बैंड मटेरियल है। सबसे पहले मेरे को चेक करना है, हाथ ऊपर कर। क्यों? तू मेरा ब्रेसलेट पहने है? ओह शिट, मैं भूल गई। अच्छा अच्छा, ओके, हां हां, देख सकते हो। एक्चुअली मैं पहने हुए है भाई ये। इन्होंने, मैंने था, आपको बोला था ना कि मैं नहीं उतारूंगी। ओह माय गॉड, ओके। नवरात्रि के टाइम वो जो स्टीम आपको बोला था ना, मुझे याद है, यस। हाँ, तो मैंने हर रील्स में और फोटोज में यही मेरा था, आपने देखा नहीं है? ओह माय गॉड, ओके, मेरे को तो स्माइल करा रही है भाई अभी। मुझे रचित पसंद है, ऐसे बोल। क्या तुझे रचित पसंद है? जी हाँ, बहुत ज्यादा। ओके, सो मैं बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है जी, बोलिए। बट मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ एक और, क्योंकि तू हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाती है, इस बार मैं एक्चुअली तेरे लिए लेके आया हूँ। मैं तो इतनी खुशकिस्मत हूँ कि इसने मेरे लिए लेके आई है, बाप रे। गैस करके सोच क्या गिफ्ट हो सकता है। तुझे क्या पसंद है? मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है। चूड़िया, ओह दैट्स नाइस। और इयररिंग्स मुझे बहुत, आपको भी तो पता है ना। हाँ, इयररिंग्स तो मैंने ऑलरेडी गिफ्ट कर रखा है, बस इस बार ये वाला मैं अपने दिल से लेके आया हूँ, ठीक है। क्या हो सकता है? चल आंखें बंद करके उधर साइड देख, ठीक है? बिल्कुल झांकेगी नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं झांकेगी, ठीक है ना? ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ लेने। मम्मी का सब मैं नहीं देखूंगी। बिल्कुल भी नहीं, अगर सरप्राइज वो हो जाएगा। ओके ओके, पता नहीं इसने मेरे लिए क्या लेके आया, लेकिन देखते हैं। मैं आके खोल दूँ क्या? नहीं नहीं, बंद करके, तो फिर वो बुरा सा। तूने देखा तो नहीं ना कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं देखा ना, फॉर रियल? हाँ, नहीं देखा मैं। अब मैं दूँ तेरे को तेरा सरप्राइज? हाँ। मैंने बहुत सोच समझ के ये चूज किया है, एंड आई थिंक तू इसके लिए बनी है, ठीक है। एंड आई थिंक तेरे हाथ में ये बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। तू इससे बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है, दूसरे लोग का भला कर सकती है। आर यू रेडी? हाथ ऊपर कर, आंख बंद कर रख, आंख बंद कर, ठीक है, हाथ ऐसे कर, ठीक है ना? रन, अगर कुछ अभी खोल, क्या हो सकता? अच्छा, रुक, बैठ जा। एक्चुअली मैं गिफ्ट ये था, एक्चुअली गिफ्ट ये था। ये मेरे को मारने वाली थी। ओह शिट ब्रो, तू एक्चुअली में गुस्सा हो गई थी यार। बेलन को देते हैं। आई भी तेरे हाथ में अच्छा नहीं लगेगा ये, बट या दिस वन अच्छा नहीं लग रहा। ये रचित का छोटा बेटा, तो तुम मेरे अंदर भी रहो। रचित का छोटा बेटा, तुम मेरे अंदर में ही रहो। व्हाट? तू रचित के बच्चों को अपने पेट में रख रहे, कितना ये है भाई, ये लड़की बहुत गंदी है भाई। गोद में लिया मैंने, ये देखो ये गोद है ना, तो गोद में लिया मैंने। वो गलत जगह है वैसे। तू मेरे लिए खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तू तो गुस्सा हो गई, वेलन से मेरे को मारने लगी। अरे मतलब इसे अचानक से ऐसा करके दिया ना, इसलिए मैं गुस्सा हो गई यार। मैं घर पे भी खाना बनाती हूँ, फिर ऊपर से आके मेरे हाथ में बेलन टपक दी, तो मैं क्या सोचूं, तू बताओ। तू मेरे लिए बना दे खाना। हाँ, मैं आपके लिए बना सकती हूँ। बढ़िया। अच्छा मेरे को एक चीज बता, ठीक है? मुझे ठंड लग रहा है। तू मुझे ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है, देखो। वेट ना, वेट, तू तुझे ठंड लग रहा है? चैट, आई एम द बेस्ट, ठीक है? तुझे ठंड लग रहा है? जी हाँ। आर यू रेडी कुटू? कुटू जी हाँ। इस पे ऐसे मरियो, ये हिनाता है, मैं हिनाता हूँ ना। देख, मैं इसको ऐसे मार। हाँ। मार जी, क्यों मार? तो ऐसे ही नहीं, क्यों? अबे मारना, कुछ कसम बसम तो नहीं है ना? नहीं, कसम बसम नहीं है, मैं देखो वो रूम। इस पे ऐसे मार। हाँ, मार। कुटू, मैं तेरे से ये बोलना चाहता हूँ। हाँ, तेना होते। हाँ। मैं तेरे से ये बोलना चाहता हूँ,
तू मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है, एंड तू बहुत फनी है, लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एवरीवन इन द चैट सेज कि तेरी और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे तू बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या क्या तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आएगी? क्या तू मेरे को डेट करना चाहेगी? बता ना। आप मेरे साथ ना। मुझे ने बोला था प्रैंक करने के लिए, अब मैं क्या करूं? मैं इतना दिनों से वेट कर रही थी इस चीज का। नहीं हाँ मैं कर रही थी, मैं 2019 से मैं इनको बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी, तो आज ये आज इन्होंने खुद मेरे को वो कर दिया। यार मैं रो भैया कैसे मेरे को क्या आप यहाँ पे बताओ कैमरा के सामने। अच्छा क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अगर जली हुई रोटी बनाऊँ क्या आप खाना पसंद करोगे? नहीं आई मीन जली हुई रोटी क्यों, लाइक अच्छी रोटी बनाओ। खाते हैं ना? नहीं मैं नहीं खा सकता, मैं अपने हाथ से बना दूंगा। आई मीन सी आई एम सेइंग कि इट वाज अ प्रैंक। मैं बोलूं मैं आपको प्रपोज करूं? अब मैं ये बोल रहा हूं मैं वो प्रैंक था एक्चुअली, मैं चैट ने बोला था। तू सच्ची में गुस्सा हो रही है? मुझे पता है ये बहुत पागल सा प्रैंक था, मेरे को चैट ने बहुत सारे लोगों ने बोला, ठीक है, इसलिए मैंने आई एम एक्चुअली रियली सॉरी, ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि देखो इतना बुरा लग जाएगा, मम्मी कसम मेरे को माफ़ कर दे, फॉर रियल माफ़ कर दे, आई स्वेयर टू गॉड मेरे को नहीं पता था कि देखो इतना बुरा लगेगा, सही बता रहा, आई एम सॉरी सच्ची में, तो अभी भी गुस्सा है ब्रो। आई एम एक्चुअली सॉरी देखो बुरा लग रहा है। आई मीन सी मैं तेको ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है, आई थिंक आई लाइक यू, ठीक है, अभी आई लाइक, मैं इस चीज़ का झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को तू पसंद है, ठीक है, बट आई थिंक हमें कुछ और टाइम तक मिलना चाहिए। और कितना टाइम तक? आई वॉन्ट कि मैं लाइक यू नो फुल्ली श्योर हूँ, यू गेट द पॉइंट ना? मतलब मेरे को नहीं चाहिए। आप सच में मेरे साथ रहना चाहते हो क्या? आई थिंक आई मीन लेट्स सी, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा वाइब करते हैं, आई थिंक हमारा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, ठीक है, हम बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, हम बहुत फ़न करते हैं, तो समझिए ना, हम बहुत फ़न करते हैं, एंड स्ट्रीम देखो स्ट्रीम भी पसंद है, देखो ये सारी चीज़ें भी पसंद है, देखो मेरा काम पसंद है, देखो मैं पसंद हूँ, तो आई लाइक दैट। नहीं अभी तुम मुझे पसंद नहीं हो। नहीं बहुत पसंद नहीं, आई मीन सी मैं वो मेरे को चाहे वो झूठा वाला प्रपोज करे या फिर सच्चे वाला, मेरे को वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किया तो ना मेरा मन को शांति तो मिला ना, जो भी हो। आई मीन आई जस्ट वांट टू से कि आई एम सॉरी इफ तेको बुरा लगा हो, ठीक है, अब मेरे को रियलाइज पता नहीं ऐसा कितना लड़कियों को इसने वो नहीं ऐसा नहीं करता मैं, नहीं सी आई एम सॉरी, ठीक है, मैं आपको करूं प्रपोज? हां अभी नहीं, जब एक्चुअली मैं तुम्हें को पसंद करने लगती है ना, ठीक है, आई वांट हम थोड़े और टाइम तक रहें, इफ हम वाइब करेंगे ना तो विल सी, बट आगे तक अगर मैं किसी और को भी डेट पे लाता हूँ तो नहीं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं गाइस, आप लोग चाहते हो क्या ये मतलब रचित किसी और लड़के के साथ डेट वगैरह करे, उसके साथ जाए, आप लोग चाहते हो? मैं या फिर बताओ
आप लोग क्या चाहते हो? मैं आप लोग के मुंह से सुनना चाहती हूँ। आई मीन सी, चल देखो, तेरे को भी बता रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये कि तेरे को नहीं पता था। चल चुप रह, ठीक है, नाटक मत कर, चैट बता, बोलो कहीं गए इतना, नहीं लाना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हो? नहीं नहीं, लाना चाहिए या फिर नहीं? सी ओके सी चैट, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता दूं, ठीक है, मैंने और कुटू ने वैसे आफ्टर ये स्ट्रीम्स ना और भी बातचीत करी है, ठीक है। हाँ सब बोल दे। हाँ बोल दो। नहीं आई मीन थोड़ा बहुत। नहीं नहीं बताओ। हाँ बताओ, सब बोल दो। मैंने कल रात को क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं कॉल पे आपको, सब बता दो यहाँ पे। आई मीन थोड़ा बता रहा हूँ। हाँ बताओ। थोड़ा बता रहा हूँ सी चैट, हमने दोनों ने बातचीत कर रखी है, ठीक है। आई मीन एज इन सेंस कि लाइक हम दोनों एक दूसरे को वाइब करते हैं बहुत। मेरे को लगता है कि ये बहुत फन लड़की है, ठीक है। हाँ मैं बस फनी लगती हूँ, मेरा आंखों में मेरा आंख नहीं देखता ना, पढ़ता नहीं, इसलिए इसको पता भी नहीं है। मैं तेरी बस उसको फनी लगता है। मैं तेरी आंखों में देख नहीं सकता हूँ ब्रो। मेरा डायलॉग मार रहा है मेरे को। नहीं तेरा डायलॉग कहाँ से हो गया ये? मेरा डायलॉग मार रहा है। रचित, सी डिजर्व्स बेटर, यू आर ए रेड फ्लैग। ए बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है, बहुत ज्यादा। सॉरी ना, अबे माफ कर देना। देखो सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो क्या करूं मैं, तेको गिफ्ट दिया ना। हाँ, मुझे इसका बच्चा भी नहीं चाहिए। किधर है? एक ये। तू इधर ही बैठ। रुक रुक, एक ये। नहीं चाहिए मुझे। खा ना। ये तो वाइट है। खा। भाई कितना, ये सबसे ज्यादा नाटक करती है, ये सबसे ज्यादा नाटक। नहीं नहीं देखो, हमने एक्चुअली बातचीत कर रखी है, ठीक है। अभी तो ये भी नाटक कर रही है, मैं भी नाटक कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर यू ऑल। बट इन रियलिटी तुम्हें जानना है कि क्या चल रहा है। तो एक्चुअली आई थिंक शी इज वेरी फनी एंड इसको भी यही लगता है, ठीक है। बट अभी हम दोनों लोग उतना श्योर नहीं है कि आई थिंक हमें कब रिलेशनशिप में आना है कि कब नहीं आना है। तो अभी हम कुछ दिन आना है, मैं आपको पसंद हूं। देख तू भी श्योर नहीं, तूने कल बोला था कि तू भी अभी तक फुल्ली श्योर नहीं है। मैंने कब बोला आपको? मैंने बोला कि हाँ ठीक है। आई मीन सी, इसको आना है बट ये श्योर भी नहीं है अभी, ठीक है। कितना झूठ है भाई, कितना झूठ। देखो मैंने बोला हाँ मैं श्योर हूँ, तुम मेरे को कब तक ऐसा करोगे? कितना झूठ बोल रही हो अभी तो, कटना। ओके नाइस नाइस। ओ मैं, मेरे को इनडायरेक्ट किस मिल गई। So tell me you got it right now.